दोस्तों नासा अमेरिकन फेडरल गवर्नमेंट की एक स्पेस एजेंसी है और कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी होने के बावजूद भी नासा ने कई राज हमसे छुपाए हैं। कहा जाता है कि इनके पीछे इंसानों के ही कुछ हित जवाबदार है तो कुछ के पीछे नासा के भी लाभ छुपे हुए हैं। और इसी कारण कहते हैं कि नासा ने हमसे कुछ राज कुछ तस्वीरें छुपा के रखी थी और बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनाने की गुजारिश की थी। तो दोस्तों चले आज जानते हैं उन राज उन तस्वीरों के बारे में जो नासा ने हमसे छुपाए रखे थे। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि ये सारी की सारी एक कॉन्स्पिरेसी थियरी है। इनके पीछे कितना सच है ये तो किसी को नहीं मालूम, पर कहा जाता है कि ये सारी तस्वीरें ये सारे राज डार्क या डीप वेब के थ्रू हमारे सामने आए हैं। नासा से रिटायर्ड हो चुके कई सारे साइंटिस्ट और कई एस्ट्रोनॉट्स ने भी इस बात का खुलासा किया है कि नासा में कई सारे ऐसे भी राज दफन है जिनके बारे में उन्हें भी नहीं बताया गया है। लेकिन इन लोगों ने अपनी जानकारी के हिसाब से जो भी बातें बताई उसे नासा के कुछ कुछ राज आम जनता तक पहुंचे हैं। तो दोस्तों चले आज जानते हैं नासा की उन कॉन्ट्रोवर्सीज की सच्चाई को जिसे आपको जरूर जानना चाहिए। आप है द नॉलेज के साथ, मैं उतेश गिरी गोसाई और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले बात करते हैं द जेनेसिस प्रोब की। 8 अगस्त 2001 को नासा ने द जेनेसिस प्रोब को लॉन्च किया था, लेकिन दोस्तों 8 सितंबर 2004 को ये क्रैश हो गया था और इस आसान से प्रोब की क्रैशिंग नासा के लिए एक एम्बेरेसमेंट थी। इसलिए कहा जाता है कि नासा ने शर्म से बचने के लिए इसकी क्रैशिंग की फुटेज हमसे छुपा रखी थी और जेनेसिस के क्रैशिंग लैंडिंग की फोटो हम तक शुरुआती दौर में नहीं पहुंच सकी। लेकिन कहा जाता है कि किसी और देश ने इस फुटेज को रिकॉर्ड किया था और डार्क वेब पे डाल दिया और उसके बाद आम जनता में ये फुटेज वायरल हो गई। एनिमल इन स्पेस। दोस्तों हम सब जानते हैं कि कोल्ड वॉर के दरमियान रशिया और अमेरिका एक दूसरे को ओवरटेक करके एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहते थे। इन दोनों देशों के बीच हर लेवल पे एक रेस लगी थी और ऐसी ही एक रेस थी द स्पेस रेस। कहा जाता है कि स्पेस में ऑर्बिट में सबसे पहले एनिमल रशिया ने भेजा जो थी लाइका नाम की एक डॉग। लेकिन रशिया से बहुत टाइम पहले ऑर्बिट में ना सही लेकिन स्पेस में सबसे पहला एनिमल अमेरिका ने भेजा था जो था एल्बर्ट नाम का एक बंदर। दोस्तों ये दोनों ही देश उस वक्त स्पेस में टेस्टिंग के लिए एनिमल्स भेजा करते थे लेकिन इनमें से शुरुआती दौर में कई सारे मिशंस फेल हो गए थे और कई सारे एनिमल्स की जान भी गई थी। इसलिए अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए और दुनिया के एनिमल लवर्स से बचने के लिए इन दोनों देशों ने अपने अपने फेलियर्स छुपाए थे। दुनिया का सबसे पहला एस्ट्रोनॉट एल्बर्ट मंकी था जिसे 11 जून 1948 में नासा ने स्पेस में लॉन्च किया था। इसे 63 किलोमीटर स्पेस में V2 रॉकेट में भेजा गया था लेकिन इस मंकी की स्पेस में ही सफोकेशन के कारण मौत हो गई थी और उस वक्त ये बात नासा ने दुनिया से छुपाई थी। नंबर 3, द मून लैंडिंग। कई सारे रीजंस के कारण ये फोटोज नासा लोगों के सामने नहीं आने देना चाहती थी लेकिन ये फोटोज लीक हो गई है और दुनिया के काफी लोग ये मानते हैं कि नासा का मून मिशन एक फेक था और ये सारा ड्रामा नासा ने अमेरिका के एक फिल्म स्टूडियो में फिल्माया था जहां पर आपको ये तस्वीरें मून की नहीं लेकिन एक फिल्म स्टूडियो में फिल्माई हुई दिखेगी। पर दोस्तों इस पे नासा का कहना है कि ये तस्वीरें दरअसल मून मिशन से 3 महीने पहले की है जब उसके एस्ट्रोनॉट्स पृथ्वी पर ही मून पर जाने से पहले मून के वातावरण में चलने की प्रैक्टिस कर रहे थे। यानी ये तस्वीरें पृथ्वी पर ही मून लैंडिंग से पहले की गई प्रैक्टिस की है। अब दोस्तों इस कॉन्ट्रोवर्सी पे अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार है लेकिन अगर पर्सनली आप मुझे पूछे तो मैं मून लैंडिंग में मानता हूँ। एलियन कॉमेंट। बताया जाता है कि ये एक एलियन शिप था। 67P नाम के इस शिप को नासा काफी समय से ट्रेस कर रहा था क्योंकि इससे निकलने वाले सिग्नल्स नासा के रडार में दिख रहे थे। कहा जाता है कि नासा इस शिप के बारे में हो रही रिसर्च को नासा में काम कर रहे ज्यादातर अधिकारियों से भी छुपा रहा है। जब इसकी बात लोगों के सामने आनी शुरू हुई तो नासा ने इस शिप को एक कॉमेट कह के बात को झुठला दिया है। लेकिन क्या ये एक एलियन शिप है जो अभी एक डेड अवस्था में है? लेकिन ये अगर वो है तो ये कैसे हमारे सोलर सिस्टम में पहुंचा? ये सारी बातें आज भी एक राज है। एरिया 51। दोस्तों जैसे कि हम सब जानते हैं एरिया 51 को नासा ही नहीं अमेरिकन सरकार भी छुपा रही है। ये अमेरिका में बसी एक ऐसी जगह है जहां पर कोई भी सिग्नल अवेलेबल नहीं है और इस पूरे एरिया को अमेरिकन सरकार प्रोटेक्ट कर रही है। कहा जाता है कि यहां पर नासा और अमेरिकन सरकार कुछ ऐसे रिसर्च करते हैं जिसे आम जनता को या इवन उनके खुद के एम्प्लॉइज को भी नहीं बताया जाता। एरिया 51 के बारे में सिर्फ वही लोग जानते हैं जो वहां पर काम कर रहे हैं। माना तो ये भी जाता है कि वहां पर परग्रहवासियों के साथ संपर्क भी किया जाता है लेकिन दोस्तों इस बात में कितनी सच्चाई है ये आज तक एक भेद है। क्लाइमेट चेंज इन एंटायर सोलर सिस्टम। दोस्तों आमतौर पर कहा जाता है कि क्लाइमेट चेंज सिर्फ पृथ्वी पर ही हो रहा है लेकिन सच बात यह है कि क्लाइमेट चेंज पूरे सोलर सिस्टम में हो रहा है। गुरु पर जो विशालकाय तूफान सदियों से थमने का नाम नहीं ले रहे और भी वहां पर नए तूफान उभर रहे हैं। सूर्य पर भी पिछले कई सालों से सौर तूफानों की तादाद बढ़ी है और टाइटेन से लेकर यूरोपा तक का क्लाइमेट चेंज हो रहा है। इसे ये पता लगता है कि हमारे एंटायर सोलर सिस्टम का पिछले कुछ सालों से लगातार और बहुत ही रफ्तार से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। सोलर सिस्टम के इस बदलाव की तस्वीरें नासा ने हमारे सामने उजागर की है
लेकिन नासा से रिटायर हुए कुछ लोग ये बताते हैं कि ये तस्वीरें बहुत ही कम या आधी अधूरी है, और सोलर सिस्टम में हो रहे क्लाइमेट चेंज की कई सारी तस्वीरें नासा ने हमें अभी तक दिखाई ही नहीं है। और दोस्तों एंड में ये तस्वीर, इंटरनेट पर लीक हुई इस तस्वीर के बारे में कहा जाता है कि ये तस्वीर दरअसल मार्स की है, जहां पर सीधे ऊपर से देखने से तो मार्स की एक उबड़ खाबड़ सतह दिखाई देती है, लेकिन क्रॉस में इसे देखने से मार्स पर किसी कॉलोनाइजेशन की मौजूदगी होने का मालूम पड़ता है। लेकिन दोस्तों पर्सनली मुझे ये तस्वीर हॉक्स लग रही है, और ये तस्वीर रियल नहीं लेकिन किसी ने बनाई हुई दिख रही है। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हो, और क्या आप मानते हो कि मार्स पर किसी एलियन या कोई भी हमारे पास से जुड़ी सभ्यता या उसके अवशेष का बसेरा हो सकता है? आपके विचार मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप नए हैं तो द नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब करें, और अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर।